गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संयुक्त रूप से हुआ। बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित इस सम्मेलन में वक्ताओं के निशाने पर भाजपा और कांग्रेस रही। मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। आदिवासी बहुल्य डिंडौरी विधानसभा अंतर्गत करंजिया में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री हरेंद्र सिंह मार्को ने मौजूदा कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम सहित भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला करते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया है। इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, शेष सीटों पर बहुजन समाज पार्टी मैदान में है। हम दोनों पार्टियां मिलकर मध्य प्रदेश में चुनाव जीत कर सरकार बनाएंगे। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक सांकेतिक चुनाव लड़ने का एक प्रदर्शन था, जिसमें हम लोग मान्यवर कांशीराम जी के पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम रखे थे, कार्यकर्ता सम्मेलन थे, उसमें दोनों पार्टियों का संयुक्त प्रोग्राम था। देखिए, 15 साल से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं, 18 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन विधायक को जिस तरह से खड़े उतरना चाहिए, जो काम करवाना चाहिए, लोगों के हित की बात करना चाहिए, जो रोजगार उसको लाना चाहिए था, वो कुछ नहीं किया। पूरे क्षेत्र में हर गांव में कांग्रेस के विधायक के खिलाफ बगावत है, लोग उसको चाह नहीं रहे हैं, वोट देने की तैयार नहीं है। वही स्थिति भाजपा की है, भाजपा का जो प्रत्याशी है उसके नाम पर तो करोड़ों रुपये का घोटाला का आरोप है। नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे वो, उन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि अब उसे हराने के लिए हमें यार ये आवश्यकता नहीं है, वो खुद अपने पैर काट दिया। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद असगर सिद्दीकी ने बसपा के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। असगर ने कहा कि हमारी बहुजन समाज पार्टी एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की भूमिका में चुनाव जीत कराएंगे। हमारे बिना कोई सरकार नहीं बन सकती, हम पूरी ताकत लगाएंगे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी विधानसभा चुनाव जीत कराएं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट इरफान मलिक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में गोंडगपा और बसपा मिलकर चुनाव जीतकर सरकार बनाते हुए आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज करंजिया में बसपा के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब का पुण्यतिथि था, तो ये कार्यकर्ता सम्मेलन करंजिया में रखे, क्योंकि हमको 9 तारीख को करना था, पूरे भारत में 9 तारीख को हुआ, लेकिन हमारा ये कार्यक्रम 10 तारीख को आज करंजिया में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। और ये आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में 52 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और 178 सीटों पर गोंडवाना बीएसपी लड़ेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।